हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ देखिए, आज मैंने बनाए हैं मूली के पराठे। तो आज मैंने दो तरह से बनाए हैं, आप वीडियो को जो है पूरा वॉच कीजिए। दोस्तों, यदि आप इस तरह से पराठे बनाओगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी बनाने में। आप रोज़ यही बनाओगे। बहुत ही आसान तरीका मैंने इस वीडियो में आज बताया है। तो देखिए मैंने कैसे बनाए हैं पराठे। तो यहाँ पर मैंने लिए 500 ग्राम मूली और उनको मैंने कद्दूकस कर लिया है और इनमें मैंने नमक लगा कर रख दिया था। अब इनको जो है निचोड़ लेंगे, इनका पानी हटा लेंगे सारा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसका पानी हटा लिया है, निचोड़ लिया है अच्छे से। अब हम मिलाएंगे इसमें मसाले। तो यहाँ पर मैंने धनिया मिलाया है 2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच और 1 चम्मच डाली है मैंने लाल मिर्च। गरम मसाला डाला है 1/2 चम्मच और ये मैंने 1 हरी मिर्च काटी है और थोड़ा अदरक काटा है और ये 2 बड़े चम्मच धनिया जो धो करके अच्छे से काट लिया है और पानी इनका अच्छे से सुखा लिया है। अब इन्हें मिलाएंगे। नमक मैंने इसमें नहीं डाला है अभी, वो बताऊंगी मैं कब डालना है नमक। मिला लिया है सभी चीज़ों को। अब यहाँ पर देखिए मैंने आटा तैयार कर लिया है और आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है। देखिए इतना गर्म बनाया है मैंने आटा और ये ले लिया मैंने ऑयल पराठे बनाने के लिए। और यहाँ देखिए मैंने लोई बना ली है। अब हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े जो हमारी मूली है इसी में नमक मिलाएंगे। यहाँ मैंने केवल 2 पराठों की मूली ली है, उसी में मैं नमक मिला रही हूँ। यदि आप इस तरह बनाओगे तो मूली जो है पानी नहीं छोड़ेगी और बहुत ही आराम से जो है आप पराठे बना सकते हो। आप कितने भी भर सकते हो अच्छे से। अब बंद कर लेंगे इसे अच्छे से। अब सूखा आटा लगा के इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी फटे नहीं है और कहीं से भी ये बाहर नहीं निकली है, बड़े ही आराम से बिल गए हैं। देखिए यहाँ मैंने तवा रख दिया है और उस पर लगा लिया, थोड़ा ऑयल लगा लिया है। अब हम पराठा डाल देंगे इस पर। ये डाल दिया देखिए, और गैस को रखना है हमें मीडियम। ऑयल डाल देंगे चारों ओर, इससे क्या होगा जो किनारे होंगे वो कच्चे नहीं रहेंगे, अच्छे से किनारे सिक जाएंगे। अब दूसरी साइड से हम पलट लेंगे, ऑयल डाल देंगे और अच्छे से हम सेक लेंगे इसे। तो मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया है और दबा दबा के इसे अच्छे से सेक लेंगे हम। दोनों ओर से अच्छे से सेक लेना है और गैस को मीडियम रखना है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा पराठा बनकर तैयार हुआ है। अब एक तो तरीका ये था, अभी दूसरा तरीका है, हम 2 छोटी छोटी लोई बनाएंगे और बेल लेंगे। वो दोनों लोई जो है हमें बराबर रखनी है और इसमें जो है हमने मूली भर दिया है और दूसरी लोई को भी इसके ऊपर से अच्छे से कवर कर दिया है। अब इसको हम बेल लेंगे अच्छे से।
इससे पराठे जो है बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और न ही बाहर निकलेंगे, बड़े आराम से जो है ये बन जाते हैं। इसे भी हम डाल देंगे। ये सब सेक लेंगे अच्छे से। जिसको बनाने नहीं आते पराठे वो भी आराम से इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो देखिए दोस्तों, कितना करंची पराठे बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं दिखाती हूँ इसे हटा के, और एक ये देखिए कितना अच्छे से बिल्कुल